तो कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त हो अभी तो जैसे मैंने कहा था कि मैं पोको M2 Pro लूँगा और मैंने ले लिया है। हाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि पहले सेल में मुझे मिला नहीं, उसके बाद मेरे पास थोड़े पैसों की दिक्कत हो गई, तो फाइनली मेरे पास अब पोको M2 Pro आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका क्विक अनबॉक्सिंग। तो आखिरकार आ ही गया पोको M2 Pro मेरे पास। फटाफट देखते हैं उसमें क्या है। तो बॉक्स में लिखा हुआ है कुछ हाइलाइट्स, 720 स्नैपड्रैगन 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर, फुल स्क्रीन डिस्प्ले एंड 48 मेगापिक्सल कैमरा। मेरे पास से 664 का वेरिएंट है जो कि ग्रीन कलर में है। तो फटाफट देखते हैं फ़ोन को। तो फ़ोन लेते हैं हम हाथ में, आ गया फोन। तो ये फ़ोन है, बैक साइड पूरी ग्लास है, इसमें पोको की ब्रांडिंग की हुई है और चार पीछे कैमरे दिए हुए हैं। जो नीचे की साइड है वो टेक्सचर में है और ऊपर प्लेन है ग्लास। ग्लास को छूने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम फील आ रहा है। साइड में इसके फिंगरप्रिंट सेंसर है, नीचे आपको टाइप सी चार्जर मिल जाता है माइक्रोफोन के लिए, हेडफोन के लिए स्लॉट मिल जाता है और स्पीकर, और दूसरी साइड आपको सिर्फ सिम स्लॉट्स के लिए मिलता है, बाकी पूरा प्लेन है। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो फटाफट करते हैं बॉक्स को ओपन। तो ये खुल गया। सबसे पहले हमें मिलता है बैक कवर जो कि क्वालिटी ठीक ही है, लेकिन इसको करते हैं परे और देखते हैं हम इसके अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर मिलते हैं हमें थोड़े से कागज़ जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, तो इसको भी कर देते हैं साइड में, और थोड़े से लिफाफे मिलते हैं क्योंकि मैंने फ़ोन पहले ही निकाल चुका हूँ। तो ये आया मेन चीज़, ये हमारे फ़ोन को चार्ज कर देगा रॉकेट की स्पीड में, क्योंकि ये जो चार्जर है 33 वोल्ट का है और इस पर MI की लेबिंग भी है, क्योंकि पोको MI का ब्रांड है तो MI की लेबिंग तो होगी। तो ये जो चार्जर है आपके फ़ोन को सुपर फास्ट चार्ज करेगा। और जो टाइप सी केबल जो कि मुझे काफ़ी पसंद है USB से, तो ये अच्छी बात है। तो फटाफट देखते हैं फ़ोन के अंदर कितने सिम आ सकते हैं, क्या इसके अंदर 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आ सकता है या इसके अंदर 1 सिम या 1 मेमोरी कार्ड ही आएगा। तो इसे करते हैं ओपन। तो ये बड़े ही प्यार से हो गया ओपन। तो इसके अंदर हम 2 नैनो सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। फटाफट देखते हैं इस फ़ोन के अंदर कौन सा एंड्रॉयड वर्ज़न है और साथ में थोड़ा इसको चला के इसका फील भी लेते हैं। तो टच करने में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जबकि इसके अंदर 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, तो टच रिस्पांस काफ़ी अच्छी है। तो फटाफट देखते हैं एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। हमें क्या सेटिंग के अंदर, और हम देखते हैं अबाउट फ़ोन कहाँ पे, ये मिल गया हमें अबाउट फ़ोन। एंड्रॉयड वर्जन चेक करते हैं तो इसके अंदर हमको मिलता है एंड्रॉयड 10, जो कि अच्छी बात है। अब जो दूसरी बात है कि इसमें स्टोरेज कितनी है, तो फटाफट देखते हैं स्टोरेज। तो इसका हमें स्टोरेज मिलती है 45 GB अवेलेबल मिलती है। ये मैंने 64 वेरिएंट वाला फ़ोन लिया था, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं इसका कैमरा। तो ये आपके सामने कुछ सैंपल हैं, ये है इसके नॉर्मल शॉट, ये है इसका नाइट मोड शॉट। इसमें आपको कलर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे बेहतरीन दिख रहे होंगे। इसमें आपको कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये है 48 मेगापिक्सल शॉट, अब इसको जूम करोगे तो क्लियर साफ दिखाई देगा। और यह है फ्रंट कैमरा नाइट मोड के साथ, तो मुझे तो कैमरा काफ़ी पसंद आया। ये फ़ोन मैंने 15,000 का लिया है फ्लिपकार्ट से, ये 6+64 वेरिएंट है। इस सवाल तो आप सभी के मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि मैंने रियलमी 7 को छोड़ के पोको M2 Pro क्यों लिया। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, बिल्ड क्वालिटी, जो पोको की बिल्ड क्वालिटी है वो ग्लास की है और रियलमी 7 की प्लास्टिक की। दूसरा, प्रोसेसर, पोको के अंदर आपको 720G स्नैपड्रैगन मिलता है, जबकि आपको रियलमी के अंदर हीलियो जी मिलता है, तो 720 इस प्रोसेसर से हीलियो से कहीं बेटर है। जो तीसरा है वो खुद मुझे रियलमी वालों ने खुद ही दे रखा है। रियलमी क्या करती है कि हर महीने फ़ोन लॉन्च कर देती है, तो क्या होता है कि जो कस्टमर जो उनके फ़ोन लेते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि हम थोड़ा और रुकते तो हमें और अच्छा फ़ोन मिल जाता है, थोड़ा होते तो हमें और अच्छा फ़ोन मिलता है, तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से जो रीसेल वैल्यू है वो भी रियलमी को अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि उनके फ़ोन बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं।
क्योंकि कंपनी ने खुद ही करती है, लगातार नए फ़ोन लॉन्च करने की वजह से उनके फ़ोन पुराने हो जाते हैं। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से मैंने पोको M2 प्रो लिया। बाकी सबके अपनी अलग अलग चॉइस है, अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अच्छी फ्रेश लेट वाले फ़ोन लेना तो रियल मी 7 प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पोको M2 प्रो लेने को बोलूँगा, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना। कमेंट में आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो, और कमेंट करो ना करो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए और लाता रहूँगा, और बाय।